गोप नामक एक बालक था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि उसका वर्णन करना काफी कठिन है, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। गोप की माँ काफी दुखी रहती थी कि बाल अवस्था में मेरा बेटा पता नहीं क्या कर रहा है, किसका पूजा कर रहा है, किस शुद्ध बुद्ध में खोया हुआ है। जो भक्ति में लीन हो जाता है उसको केवल परमात्मा का ही ध्यान रखना पड़ता है। चाहे आप जिसकी भक्ति करें, जिस भगवान की भक्ति करें, जिस किसी की भी भक्ति करें, आपको उसी में लीन रहना पड़ेगा, उसी में रम जाना पड़ेगा, तभी आप भक्त कहे जाएंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि अभी किसी और का नाम ले लिए, कभी किसी और का नाम ले लिए, कभी किसी और का नाम ले लिए, कभी किसी और का नाम ले लिए। भक्ति का मतलब है सात्विकता, पवित्रता और एकदम अपने ध्यान को उस भक्ति करने वाले, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर लेना, स्वयं को सीमित कर लेना और स्वयं को एकाचित कर लेना, अपने चेतनाओं को, अपने ज्ञान इंद्रियों को बस उस परमात्मा भगवान शिव या जिस किसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके अनुसार नियंत्रित कर लेना और चेतनाओं को जागृत कर लेना। जब आप भगवान की भक्ति शुरू करेंगे और भगवान की भक्ति में जब आप लीन हो जाएंगे तो आपको ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब आप भक्ति करने लगेंगे परमात्मा का तो आपके लिए कल्याण का द्वार स्वतः खुल जाएगा, और जब कल्याण का द्वार खुल जाएगा तो भक्ति में ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाएगा, और जब भक्ति में ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तो आपके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं रहेगा। बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से आप कोई भी कठिन से कठिन कार्य पल भर में कर लेंगे, और भगवान आपको कदम कदम पर मदद करेंगे, आपको अपने दोस्त की तरह, अपने सखा की तरह, अपने सदस्य की तरह अपना समझ करके आपको मदद करेंगे। भक्ति में लीन होना ही परम कल्याण का मार्ग है और यही कल्याणकारी उत्तम मार्ग है और यही रास्ता है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो बस जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके भक्ति में लीन होके भक्ति करिए, यही कल्याणकारी होगा। अन्यथा कभी उसकी भक्ति, कभी उसकी भक्ति। अभी अधिकांश देखे जाते हैं कि जब जिस भगवान का पूजा होता है उसके ओर सभी लोग खींच जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक भक्त था, आपको मैं बता दूं, बहुत लंबे समय से भक्ति करता था, किशनगंज का है सुनील, और एक है किशनगंज के धर्मेंद्र जी। मैं उनके पूरे परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सारे कष्ट जो है उनको महाकाल महादेव ने हरण किया। एक दिन क्या हुआ, दोनों काफी चिंतित थे, चिंतन मुद्रा में काफी परेशान थे, लेकिन भगवान में जब रमना शुरू कर दिए तो उनका दुखों का जो बादल था वो धीरे धीरे छट गए और वो अच्छाई की ओर चले गए, और आज काफी हद तक सुखी हैं और संपन्न हैं। मैं मोतीपुर को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, मोतीपुर से मेरा बहुत अच्छा रास्ता है, रिश्ता है। मोतीपुर के एक एक लोगों को मैं बहुत समझता हूँ और मुझे भी वो लोग समझते ही होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञानतावश अधिक ज्ञानी हो जाते हैं, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है। मोतीपुर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारा सहयोग किया और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। और वही नहीं, मोतीपुर के आपको अजय जी हैं, रामबाबू जी हैं, रितु जी हैं, आपको बता दूं सुनील सागर है, राजू है, और बहुत सारे लोग, करण है, इन सारे लोगों ने जो सहयोग किया है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद उपेंद्र जी हैं, राजा राम जी हैं, आपको मैं बता दूं
अजय जी, कुणाल जी, ब्रह्मदेव जी, मधुकर जी, पप्पू जी, उसके पश्चात आपको मैं बता दूं बहुत सारे लोग हैं वहाँ, मुखिया जी हैं एक, मोहन केसरी जी, उसके बाद मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के भक्ति के कार्य में यदा कदा सहयोग किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति के कार्य को क्या करते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं, अपना दाल रोटी उसमें सेक लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्ति के कार्य में कभी भी दाल रोटी नहीं सेकिए। भक्ति अगर कर रहे हैं तो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे परम मित्र भी हैं और मुझे बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में मदद भी किए। मैं उन सबों का बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया। समय समय पर मैं भी सोचा कि मैं भी इनको मदद करके मैं जो भी उनका किया हुआ कार्य है उसका मैं थोड़ा ऋण चुका दूं। लेकिन कर्तव्य के पालन में कभी भी कोई भी व्यक्ति भटके नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करे और कर्तव्य की निष्ठा पूर्वक आस्था से पालन करे। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध और परम कल्याणकारी आपको महाकालेश्वर हैं। जहां तक मैं जानता हूं, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो शक्तियों को देखा है, मैंने जो समझा है, वो बहुत ही कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग है। और ये मुझे परम पिता महादेव से ही प्राप्त हुआ और उन्होंने ही मुझे ये ज्ञान भी दिया कि देखिए पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर भ्रमण करने से और पूजा करने से कल्याण हो ही जाए। कल्याण करने के लिए आपको परमात्मा के तमाम रास्ते, तमाम कार्य को समझना पड़ेगा, परमात्मा की हर बातों को समझना पड़ेगा। अगर परमात्मा की हर बात नहीं समझेंगे, परमात्मा को नहीं समझेंगे, तो आपका कल्याणकारी मार्ग आपके रास्ते से अलग हट जाएगा। कल्याण आके भी आपके घर के द्वार से भाग जाएगा, रूठ जाएगा, क्योंकि परमात्मा केवल चाहते हैं परोपकार, यानी कि कल्याण करते रहें। आप भक्ति के साथ साथ औरों के लिए अच्छा सोचें, उनके लिए भी अच्छी वाणी बोले। महाकाल जो है परम ही कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग है। ये उज्जैन में पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य में, भारत का खंड में आपको मध्य प्रदेश भी पड़ते हैं, और वहां उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर का बड़ा बड़ा कहानी है। गोप जो है बाल अवस्था में एक मिट्टी का शिवलिंग बना लिए और शिवलिंग बनाने के बाद ओम नमः शिवाय करके जाप करने लगे। तभी उनकी माँ आई और उस मिट्टी के शिवलिंग को नदी में फेंक दी। तभी वहां चमत्कार हुआ, भगवान शिव उस मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने वरदान दिया और गोप अमर हो गए। और द्वापर में वही गोप नंदन ने भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के बाद जो नंद थे वो गोप हुए। इतना आप जान लीजिए। इसलिए भगवान कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भक्त कष्ट उठाए और मेरे किसी भक्त को कोई पीड़ा पहुंच जाए। आप अगर दूसरों को पीड़ा पहुंचाएंगे तो आपको भी एक दिन पीड़ा पहुंचेगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरा कोई भक्त किसी को पीड़ा न दे, हर जगह अच्छा से रहे और मेरा भक्त कुशल रहे, सकुशल रहे। हमारे भक्त के साथ साथ उसके जो भी इष्ट मित्र है, जो भी उसके सखे है, जो भी उनके संबंधी है, वो भी कुशल रहे ताकि भक्त खुश रहे। इसलिए भगवान की भक्ति करे और परम कल्याणकारी महाकाल की भक्ति करे। वो परम ही ज्ञानी है, परमदर्शी है और पल में कल्याण। मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल, भक्तों के रहते हो तुम सदा सा। भोलेनाथ सदा भक्तों के पास रहते हैं और भोलेनाथ सदा भक्तों पर कल्याण करते हैं। भोलेनाथ ये कैसे देवता है जो पल में ओ बाबा महाकाल, ओ बाबा भूतनाथ, ओ बाबा वैद्यनाथ। जय जय बाबा महाकाल, जय जय बाबा महाकाल, जय 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 बाबा भूतनाथ, जय 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 बाबा महाकाल। तुम तो
रहते, तुम तो रहते भक्तों के साथ, ओ भोले बाबा महाकाल, जय 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 बाबा महाकाल। महाकाल सदा भक्तों के साथ रहते हैं, किसी भक्त को वो कष्ट नहीं देते, सदा चाहते हैं कि उनका भक्त खुश रहे, प्रसन्न रहे और भक्तों पर कोई विपदा नहीं आए। भक्त जब भी संकट में आता है तो महाकाल दुखी हो जाते हैं, इसलिए महाकाल का अवश्य भक्ति करे। महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ देवता है और संसार तेरे दर से कोई न जाता खाली, सबको देते तुम वरदान एक समान, सबकी पूरी करते हो अरमान, ओ भोले बाबा ओ महाकाल, ओ बाबा भूतनाथ, मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे महाकाल, ओ बाबा भूतनाथ, ओ बाबा वैद्यनाथ, ओ बाबा महाकाल, ओ बाबा महाकाल। दर पे जो जाता है खाली ना लौट वो पाता, ओ बाबा बाबा महाकाल, तेरी होती है जयकार, ओ बाबा महाकाल, ओ बाबा महाकाल। महाकाल में बहुत शक्ति है, महाकाल इतने दयालु देवता हैं कि वो पल में अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में मैं काफी कुछ अनुभव किया, काफी लंबे समय तक वहां भ्रमण करके मैंने देखा और कुछ पाया, और बहुत ऐसे चीजें हैं जो मैं वर्णन नहीं कर सकता, एक से बढ़ के एक अलौकिक शक्तियां। मंगलनाथ की मंदिर है वहां, और उसके बाद देवी हरसिद्ध की मंदिर है, सिप्रा नदी है, सिप्रा के बारे में भी एक कहानी आता है। एक बार भगवान महाकाल भिक्षाटन करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु अहंकार में महाकाल को नहीं पहचान सके और उन्होंने तिरस्कार कर दिया, तभी महाकाल ने अपने त्रिशूल निकाला और उनके ऊपर वार कर दिया, इससे श्री महाकाल का क्रोध तो उत्पन्न हुआ ही, श्री विष्णु का तर्जनी उंगली कट गए और उससे रक्त गिरने लगे, रक्त की धारा जो गिरे, इसे देखकर श्री हरि विष्णु को आश्चर्य हुआ कि मेरे उंगली को तो कोई दूसरा नहीं काट सकता, ये अवश्य कोई ना कोई दैविक शक्ति या कोई ना कोई देवता है। उन्होंने जब अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट किया और अपनी चक्षुओं से उन्होंने देखा, आंखों से, तो उन्हें ज्ञात हो गया कि ये तो स्वयं देवाधिदेव महादेव महाकाल है, और उन्होंने क्षमा याचना किया और कहा कि प्रभु कुछ ऐसा करे कि हम लोगों का कृति पृथ्वी पर अमर हो जाए। तभी पृथ्वी लोक पर भगवान शिव जो महाकाल है, महादेव है, कपाली है, और उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है, हमारा परम धाम जहां 12 वर्षों में एक बार कुंभ लगता है, महाकुंभ, और वहां 6 साल पर अर्धकुंभ लगता है, वहां सिप्रा नदी आपके इस रक्त का सिप्रा नदी बन जाएगा, जो भी इस नदी में स्नान करेंगे, जो भी हमारा दर्शन पूजा करेंगे, उनका काल संकट टल जाएगा और उसके बाद उनका कल्याण होगा और हमारी कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री हरि विष्णु धन्य हो गए। इसलिए हे भक्त लोग, हे मित्रों, हे मेरे शुभचिंतकों, हे मेरे दोस्तों, आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं, चाहे कोई हो, कोई भी भिखारी, कोई भी भिक्षुक, कोई भी साधु संत या कोई भी आपके आसपास आए, कोशिश कीजिए कि उससे दया से बात करें और दयावान बने। अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग देखता हूं
कि जब साधु संत आते हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं। जब देखते हैं कि कोई साधु आ गया झोली लेकर, तो वो क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, दुकानों से उठ के चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। आप उनको सहयोग करें, हो सके तो भोजन भी कराए शुद्धता से, आदर पूर्वक उनको बैठाएं। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको तन भगवान ने दिया, आपको धन भगवान ने दिया, आपको सारा सुख सुविधाएं भगवान ने दिया, तो भगवान के संतान, भगवान के वो गण, भगवान के दैविक शक्ति वाले वो साधु संत अगर आपके पास आते हैं, आपके भोजन ग्रहण करते हैं, आपसे कुछ धन जो कल्याण में वो लगाते हैं, तो आपको तो परम सौभाग्यशाली बनना समझना चाहिए खुद को। उनको कभी भी निराश न करे। यही भगवान ने दिखाया ये लीला रच के कि देखिए हे पृथ्वीवासियों, आप कुछ सीखिए, कुछ समझिए और साधुओं का अनादर ना करिए, किसी संतों का अनादर ना करिए। अगर कोई अच्छा ब्राह्मण है उसका तिरस्कार मत करिए। भगवान के भोजन का ये सब मार्ग है। भगवान भोजन क्या चीज से करते हैं, हवन करते हैं। अग्नि भगवान का भोजन का एक परम मार्ग है। उसके पश्चात गाय का मुख भी भगवान के भोजन का एक मार्ग है। ब्राह्मण का मुख भी, साधु संतों का मुख भी भगवान के भोजन का एक मार्ग है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, इससे आपका कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा। और जो तरह तरह की महामारी, बीमारी, उपद्रव और अशांति फैलते हैं, आप देखिएगा ये सारे कार्यों से स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुण्य का कार्य करिए। पुण्य जो है द्वार है स्वर्ग का, और पाप जो है द्वार है नरक का। इसलिए आप लोग पुण्य अर्जित करें और पुण्य फल से ही स्वयं को अपने जीवन में निखारता लाए, पवित्रता लाए, शुद्धता लाए और ऊर्जावान बने, शक्तिमान बने और अपने समाज को विकासशील बनाए, उन्नतिशील बनाए, भय मुक्त करे, अपराध मुक्त करे और रोग मुक्त करे, अपने समाज को नशा मुक्त भी करे। कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि ये चीज खाने से ये बीमारी दूर हो जाता है, नशा की समान, और ये नशा का समान खाने से ये बीमारी दूर हो जाता है, तो वो गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बीमारी भगाने के लिए 100 बीमारी बुलाने का कारण बनेगा वो नशा पान। इसलिए आप लोग नशा कभी ना ले, नशा कभी ना ले। नशा जो है आपको ले बीतेगा, डूब जाएगा लेकर, आपको बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को विनाश कर देगा, आपको भी बर्बाद कर देगा। इसलिए नशा कभी न ले भूल के। नशा लेना आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, नशा लेना आपके लिए विनाशकारी है। नशा पान से व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, नशा पान से व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है, नशा पान से व्यक्ति का संस्कार खराब हो जाता है, नशा पान से व्यक्ति का धन क्षय हो जाता है, नशा पान से धर्म क्षय हो जाता है, नशा पान से परिवार का काफी दुख संकट उनको भोगना पड़ जाता है, समाज में भी जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो बहिष्कार कर देते हैं। अधिकांश जगहों पे मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सिगरेट ले लेते हैं और धार्मिक स्थलों पे भी और जहां भीड़ भाड़ है वहां पीना शुरू कर देते हैं। वो तो खुद सिगरेट का कस लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसका जो धुआं निकल रहा है वो वायुमंडल को तो प्रदूषित करेगा ही, पता नहीं अनेकों कितना बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए सिगरेट पीने से बचिए, सिगरेट का धुआं इधर उधर मत छोड़िए, और सिगरेट का अगर धुआं इधर उधर छोड़ते हैं तो वो धुआं आपके लिए तो हानिकारक है ही, आपके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक है और प्रकृति के लिए भी वो हानिकारक है। इसलिए सिगरेट ना पिए। ऐसे भी सिगरेट के डिब्बे पे लिखे हुए होते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी सिगरेट पिए जाते हैं, ये सब ना करें। गुटखा खाने वाले लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप गुटखा उटका मत खाएं, वो आपको ले बीतेगा, आपके साथ साथ आपका परिवार भी कष्ट में पड़ जाएंगे, वो गुटखा खाना आपके लिए विनाशकारी साबित होगा। आप जो गुटखा खाते हैं उसी पैसे से आप अच्छा चीज खाएं जो सेहत और शरीर को बनाए, आपके परिवार को भी आगे बढ़ाए। इसलिए ऐसा काम करिए जो आपको और आपके समाज को दलदल में, किसी भी बुराई में, किसी भी दुखों के दलदल में ना धकेले। इसलिए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास में आपको काल भैरव का भी मंदिर है। काल भैरव महाकाल के द्वारपाल माने जाते हैं, सेनापति माने जाते हैं, और नंदी तो उनका ध्वज है, नंदी उनका
वाहन है और नंदी ही नंदी है। नंदी एक तरह से महाकाल का सचिव भी है, यानी कि महादेव का। नंदी के बिना शिव एक पल नहीं रह सकते और नंदी शिव के बिना एक पल नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे का पूरक है। शिव का ही अवतार नंदीश्वर अवतार है। शिलाद के पुत्र मुनि शिलाद ऋषि शिलाद के पुत्र नंदी काफी बलवान काफी शक्तिमान और शिव के परम भक्त है। नंदी पर बहुत बड़ा प्रसंग आता है। नंदी को जो जानता है वो भगवान शिव को पहचानता है। नंदी अगर चाह जाए तो आपका एकदम कल्याण हो जाएगा। आप लोगों के आसपास में कोई भी बल्द यानी कि बैल, एक समय था कि खेतों में बैल से जुताई किया जाता था। समझिए कि स्वयं भगवान शिव का वो नंदी आपके खेतों में जुताई करता था, उनका खुर आपके खेतों में लगता था, उनका झाग खेतों में टपकता था, उसके पश्चात उनका मल और मूत्र आपके खेतों में बहता था। आपका फसल कितना काफी उपस्थित थे, लेकिन आज बैलों की संख्या घट गए, नगण्य होते चले गए और अब ट्रैक्टर तरह तरह की अत्याधुनिक वस्तुएं देखने को मिलता है जिससे लोग खेतों का जुताई कुराई सब करते हैं। अगर आपके आसपास से कोई बैल निकल जाए बैल गुजर जाए तो समझिए कि भगवान शिव का वाहन गुजर रहा है। उसका सम्मान करे, उसका आदर करे, उस पर लठ न चलाए, लठ न बरसाए, उसको ना मारे ना पीटे, उसको आदर पूर्वक थोड़ा सा भोजन कराए। देखिएगा उसके भोजन कराने से आपका कल्याण होगा, आपका जय जयकार होगा और नंदी की कृपा के साथ साथ शिव का भी कृपा हो जाएगा। बहुत सारे जगहों पे कुछ लोग को मैं ऐसा भी देखता हूं कि अगर गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो उसको मौत के मुंह में धकेलने का काम करते हैं और अगर गाय ने बाछी दे दिया तो उसको काफी लालन पालन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया है, मैं बता रहा हूं बार बार कि जिस तरह से आपके घर में बेटा और बेटी एक समान है उसी तरह से गाय और बैल बछड़ा और बाछी एक समान है। इसलिए आप लोग गाय का इज्जत करें, गाय का सम्मान करें और उनके बच्चों का भी सम्मान करें, तभी आपका कल्याण होगा। जीव हिंसा हर हाल में विनाश का कारी है। जीव हिंसा कभी नहीं करें। जीव हिंसा आपको पापाचार सिखाता है और इससे आपको विनाश मिलता है। इससे आपका जितना भी पुण्य होगा वो क्षय हो जाएगा और जहां पुण्य क्षय हुआ आपका परिवार दुख में फंस जाएगा, आप भी दुख में फंस जाएंगे और आपका सुख संसाधन सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ज्ञानी परम ज्ञानी तपस्वी योगी महायोगी, जो भी ज्ञानी है, जो भी साधु संत है, जो भी कथावाचक है, वो आपको यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि गाय का सम्मान करे, बैल का सम्मान करे, अपने अतिथि का सम्मान करे, साधु संतों का सम्मान करे, कथावाचक का सम्मान करे, चाहे वो कोई हो, अगर वो दैविक है या कोई भी है, अच्छा प्रशासनिक पदाधिकारी का सम्मान करे, अच्छे सरकार का सम्मान करे, अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे गृह मंत्री, अच्छे रक्षा मंत्री और अच्छे वित्त मंत्री, अच्छे उप मुख्यमंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे डीजीपी, अच्छे एसएसपी, अच्छे डीएसपी, अच्छे एसएसएचओ, अच्छे वीडियो सीओ, अच्छे डीएम, अच्छे एडीजी, अच्छे आईजी, डीआईजी, इन सब का सम्मान करें। आपका उनको सम्मान करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो तो वैसा कर्म करके आए हैं, जो उतना ऊंचा कुर्सी पाए हैं आप भी वैसा कुर्सी पाएंगे, आप भी वैसा कर्म करें ताकि आप भी उस ऊंचाई तक पहुंचे। कर्म महान है, कर्म कभी नहीं मरता, कर्म कभी नहीं मरता, कर्म कभी नहीं मरता, कर्म का फल अटल है, यही आपके साथ जाएगा, मरने के बाद भी आपको कल्याण कर जाएगा। अगर आप गलत कर्म करेंगे दुख आप भोगेंगे, अच्छा कर्म करेंगे सुख आप भोगेंगे। अच्छा कर्म करिए, गलत कार्य से बचिए। प्रतिदिन सुबह सुबह ये वचन लीजिए, संकल्प कीजिए कि आज मैं कम से कम 10 व्यक्तियों के साथ अच्छा कार्य करूंगा और 10 व्यक्तियों के लिए परोपकार करूंगा, 10 व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी चिंतन करूंगा, कल्याणकारी कार्य करूंगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे खुद को और औरों को पीड़ा पहुंचे। ये आप कम से कम प्रतिदिन सुबह प्रातः काल संकल्प ले और वचन ले। ये वचन ले कि रास्ते पे चलते समय, दुकान चलाते समय, व्यवसाय करते समय, शिक्षा देते समय, शिक्षा लेते समय, या भोजन पकाते समय, भोजन परोसते समय, या कोई भी कार्य करते समय, गाड़ी चलाते समय, गाड़ी पे बैठते समय, ट्रेन में सफर करते समय, ट्रेन में बैठते समय,
या फिर रेलवे फाटक पार करते समय, रेलवे फाटक बंद करते समय, या रेलवे फाटक के आसपास में, या फिर किसी गाड़ी के आसपास में सड़क पार करते समय गैर कानूनी कार्य ना करे और कानून के नियमों का पालन करे और हर समय हर पल वेद पुराण में जो लिखे हुए वर्णन है, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको याद रखे और कानून के पालन के अनुसार, कानून के नियम के अनुसार आप चले, आप देखिए आपका जीवन कितना सुखदाई हो जाता है। नहीं आपको कहीं पुलिस का भय होगा, नहीं कानून का भय होगा, नहीं आपको कोई निंदा करेगा, नहीं आपको कोई जेल पकड़ के ले जाएगा। लेकिन अगर आप इन सब दौरान अगर गैर कानूनी काम करेंगे, अगर आप किसी को दुख देंगे, गलत हरकत करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लूट करेंगे, फसाद कराएंगे, तो आपको कानून नहीं छोड़ेगा, परमात्मा भी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो भी दंड एक न एक दिन देंगे। आपके कर्मों का दंड आपको मिलना तय है। मैं बहुत सारे दिनों से एक चीज पाया हूं, खास करके उन जगहों पे प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा लगाया। इस कार्य को सबसे पहले शुरुआत किए थे डीजीपी अभियानंद बिहार के, मैं उनको प्रशंसा करता हूं, ताकि साक्ष्य और सबूत को जुटाने में सीसीटीवी कैमरा और कैमरा का फोटो और वीडियो मित्र साबित हुआ। तीसरा नेत्र, यानी कि दो आंखों के बाद ये तीसरा नेत्र जो कैमरा है वो कानून को काफी मदद किया, अपराध नियंत्रण से लेकर के अन्य छोटे छोटे घटनाओं को भी नियंत्रित करने में कैमरा काफी सहयोगी बना। इसके बाद बिहार के डीजीपी हुए पीके ठाकुर और